हेलो दोस्तों, आपका स्वागत आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। आज मैं बात करने वाला हूँ एनसी डायनोसॉर्स एसएसजी लैंडर्स केबीओ लीग के बेसबॉल मैच के बारे में। इस मैच के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम के लिए किस प्रकार पिक करना है, किस प्रकार ड्रॉप करना है। मैं बात करूँगा ड्रीम टीम के बारे में और जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आइए हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों, ये आपका अपना टेलीग्राम चैनल होने वाला है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रात के दोस्तों ये दोनों मैच मैंने रात को कवर किए थे और दोनों के दोनों मैच हमारे अल्ट्रा क्लीन स्वीप हैं। दोस्तों थोड़ी देर में मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। दिन वाला मैच दोस्तों क्लीन स्वीप था, ऑलमोस्ट मैं आपको क्लीन स्वीप ही प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और दोस्तों मैं ट्राई करूँगा कि ये मैच मेरा क्लीन स्वीप ही हो। दोस्तों क्लीन स्वीप के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वो वर्क नहीं कर रहा तो आप टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए टीटी प्लेइंग 11 बेसबॉल एक्सपर्ट, आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको एक तरफा विनिंग टीम प्रोवाइड करवाई जाएगी और यहां पर आने के बाद सबसे पहले आपको करना है विजन 11 को डाउनलोड। जो विजन 11 है यहां पर जो कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी कम है, एंट्री फीस काफ़ी कम है, जीतने की हाई चांस है। और अगर आप मेरे इनसे करेंगे तो 300 रुपये का वैलेट बैलेंस भी मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी विजन 11 को डाउनलोड कर लीजिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों ड्रीम टीम के बारे में। इस मैच की जो ड्रीम टीम है वो मैं बना चुका हूँ, जो इससे जुड़ मैं आपको देने वाला हूँ ड्रीम टीम। तो उससे पहले मेरी मेहनत के लिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम में कौन से फील्डर, कौन से इनफील्डर, कौन से पिचर और कौन से कैचर को चूज करके चलना है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो आपको एंड तक पहुँच कर लेनी है। जो शुरू एंड तक पहुँच करे उसको उस मैच के बारे में काफ़ी अच्छी विनिंग टीम मिलने वाली है। मैं स्टार्ट करूँगा ओ फील्डर सेक्शन से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दोस्तों, आपको पता है लास्ट के काफ़ी टाइम से मैं आपको प्रॉपर स्टैट्स के आधार पर टीम वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। दोस्तों कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं है। अगर दोस्तों आप कहेंगे कमेंट कर दीजिए, अगर आपको प्रॉपर स्टैट्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं स्टैट्स के ऊपर भी बना दूंगा। बाकी जो फाइनल टीम होती है वो स्टैट्स के ऊपर ही होती है, क्योंकि दोस्तों जो वीडियो होती है उसके पहले 3 बार एनालिसिस करना पड़ता है वीडियो के स्टैट्स को, इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो सीधा ही बना दूँ। स्टार्ट करेंगे ओ फिल्टर सेक्शन से। योसम, योसम का परफॉर्मेंस देख लीजिए। देख लीजिए लास्ट मैच रहा वहाँ पर उन्हें एक सिंगल और हिट को लगा है, और इससे जो पीछे मैच प्ले किया वहाँ पर इनका जो परफॉर्मेंस वो काफ़ी अच्छा खासा है, यानी कि कैप्टन और वॉइस कैप्टन के काफ़ी अच्छे खासे दावेदार होने वाले हैं। और मैं ट्राई करूँगा इनको अपनी टीम में सिर्फ एज अ प्लेयर लेने की, बाकी कैप्टन और वॉइस कैप्टन ट्राई करके चला सकता हूँ। दोस्तों जी हुन का परफॉर्मेंस देख ली, इनका जो परफॉर्मेंस लास्ट के मैच से हर मैच में काफ़ी अच्छा खासा रहा है और ऑलमोस्ट में ड्रीम टीम है इनकी। कैप्टन और वॉइस कैप्टन के लिए अच्छे खासे दावेदार नहीं है, लेकिन एज अ प्लेयर के लिए जी हुन एक काफ़ी बढ़िया चॉइस होने वाली है। तो जी हुन को भी कन्फर्म पिक करके चलेंगे ही चलेंगे। शिनसू दोस्तों लास्ट का जो मैच रहा वहाँ पर थोड़ा डाउन परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि दोस्तों जितना अच्छा कर सकते हैं, जितना कैपेबल है उतना अच्छा खासा नहीं कर रहे हैं। बाकी कन्फर्म पिक करके, क्योंकि काफ़ी बढ़िया कैप्टन और वॉइस कैप्टन ट्राई करके नहीं चलेंगे, बस एज अ प्लेयर तो कन्फर्म लेके चलने वाले। कैप्टन और वॉइस कैप्टन आपको पता है कोई अच्छा खासा पिचर प्ले करेगा तो कैप्टन मैं उसको लेके चलूँगा। इनफील्डर्स देख लीजिए दोस्तों, शोंग हान एक काफ़ी बड़ी चॉइस रही कैप्टन के लिए, सबसे बड़े दावेदार। बाकी जो परफॉर्मेंस है लास्ट के 2 से 3 मैच थोड़ा डाउन जरूर चल रहा है। बाकी आपको ये भी पता है दोस्तों कितने बड़े और कितने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, काफ़ी बड़ी चॉइस रहेगी, तो इनको ड्रॉप करना हमारे लिए गलती हो सकती है। तो पिक तो मैं इनको अपनी टीम में कन्फर्म लेके चलने ही चलने वाला हूँ, तो इनको पिक करेंगे और अपनी टीम में काफ़ी सारा विन भी लेके जाएंगे, मैं इनको कैप्टन भी लेके चला सकता हूँ, लेकिन लास्ट में देखेंगे क्या कुछ किया जाए। हाई चॉल देखिए दोस्तों थोड़ा आउट ऑफ परफॉर्मेंस चल, देखिए थोड़ा आउट ऑफ परफॉर्मेंस है। बाकी जो चॉइस है काफ़ी बड़ी है, परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। जो लास्ट का सीजन था दोस्तों वहाँ पर जो सेमीफाइनल फाइनल था वहाँ पर एसी डायनोसॉर्स कुछ सेमीफाइनल्स तक पहुँच गए थे, जहाँ पर दोस्तों हाई चॉल ने 3 से 4 होम रन लगाए थे, यानी कि काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था। जूनियर का जो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा दोस्तों लास्ट के मैच थोड़े फ्लॉप हो गए थे, बाकी लगातार 3 में से काफ़ी अच्छा सा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो मैं इनको भी अपनी टीम के लिए कन्फर्म लेके चलने वाला हूँ, क्योंकि चॉइस इतनी बड़ी होने वाली है। और आपको ट्राई करना दोस्तों, आप इनको अपनी टीम में कन्फर्म पिक करके चल रहे हो। जिन हयुक का परफॉर्मेंस देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट मैच में काफ़ी अच्छा खासा रहा है और चॉइस भी काफ़ी बड़ी रहेगी, तो इनको भी हम अपनी टीम से कन्फर्म पिक करके चलने वाले हैं। जो लास्ट का मैच रहा वहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इन्होंने एक होम रन लगाया है, 3 रन बैटिंग के, 1 रन का स्कोर भी बना है, इनकी काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। इससे जो पिछला मैच है वहाँ पर भी इन्होंने देखिए 1 सिंगल और 2 हिट लगाए हैं, यानी कि यहाँ भी इनका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा रहा है।
और ये चॉइस भी आपकी टीम ने काफ़ी अच्छा सीट रहने वाली है। अब दोस्तों बात करूँगा पिक्चर के बारे में, तो आपको पता है मैं आपको आलमोस्ट स्टूडेंट बताता भी हूँ, कोई अच्छा खासा पिक्चर प्ले कर रहा हूँ तो बिना किसी टेंशन कैप्टन बना दीजिए, बिल्कुल सेफ रहेगा और अच्छे खासे पैसे विन करेंगे ही करेंगे। और एट प्रेजेंट इस टीम में मैं फॉन्ट कम्युनिटी में एज आ पिक्चर पिक करके चल रहा हूँ, जो काफ़ी बढ़िया रहने वाले। मान लीजिए फॉन्ट अगर प्ले करेंगे और इनके अलावा कोई अच्छा खासा पिक्चर प्ले करेगा तो कैप्टन में एक पिक्चर को ही लेके चलने वाला हूँ। कैचर हुई जुई तो सबसे बेस्ट एंड बेस्ट जो है एनसी डायनो से, जो पिछला सीजन था वहाँ पर एनसी डायनो से प्ले कर रहे थे। टीम का प्रयोग कर लीजिए जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैंने उस टीम में 3 आउटफील्डर 4 इनफील्डर एक पिचर एक कैचर को चोज किया है। जो मेरी कैप्टन चोज है वो दोस्तों श्योंग हान है, जो सबसे बेस्ट मैं आपको बता चुका हूँ। जो मेरी वॉइस कैप्टन चोज है दोस्तों जून यंग को ट्राई किया है, बाकी जून यंग को मैं पिक मतलब चेंज कर सकता हूँ कि दोस्तों ये मेरे फाइनल नहीं है वॉइस कैप्टन, बाकी कैप्टन दोस्तों श्योंग हान शायद मैं फाइनल कर सकता हूँ। बाकी मैं आपको बता दूँ इस टीम में जो भी चेंज इस टीम में जो भी अपडेट होगा आपको पता लगेगा सिर्फ टेलीग्राम पर ही। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक मेरी मेहनत के लिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।